और अब हम आजादी गैंग की अंतहीन लेकिन खतरनाक इच्छाओं का आज विश्लेषण करेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि आजकल कश्मीर से आजादी की मांग नहीं उठ रही है। कश्मीर में पत्थरबाजी भी धीरे धीरे कम हो गई है और कश्मीर में टुकड़े टुकड़े गैंग भी अब सक्रिय नहीं है। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग के कुछ नए केंद्र उभर कर अब सामने आ रहे हैं जो दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता तक देखे जा रहे हैं। अलगाववाद के ये केंद्र हर रोज बदलते रहते, आज ये केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय में दिखाई दिया, इसलिए आज के विश्लेषण की शुरुआत हम दिल्ली से करेंगे। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के एक आयोजन में कश्मीर के लिए आजादी की मांग की जा रही है। जेएनयू मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। जेएनयू मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। जेएनयू मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। दिल्ली विश्वविद्यालय में वामपंथी छात्र संगठनों ने आज जेएनयू की हिंसा के विरोध में हड़ताल बुलाई थी। छात्रों का ये संगठन आज ट्रेड यूनियनों के भारत बंद को भी समर्थन दे रहा था। इसी सिलसिले में पहले इन लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजों में प्रोटेस्ट मार्च निकाला और बाद में डीयू के आर्ट्स फैकल्टी में ये इकट्ठा हो गए। इसी दौरान कार्यक्रम के आखिर में इन्होंने कश्मीर की आजादी के नारे भी लगाए। हमने इन छात्रों से पूछा कि आप लोग कश्मीर के लिए कैसी आजादी मांग रहे हैं? आपने लगाया था ना नारा? नहीं, कैमरे में है हमारे, तो दिखाइए। आपको नहीं दिखा सकते हम, तो फिर पूछिए मत। तो कश्मीर मांगे हमारे आजादी आ रहा नारा आपने लगाया? मैंने नहीं लगाया। पर आपने आपने लगाया? नहीं, मैंने नहीं लगाया। इंटरनेट शटडाउन जो है वहाँ पर वो गलत है, वो हटाना चाहिए। किस लिए लगाया था नारा? किसने लगाया है नारा? आप बोल रहे हैं ना जो इंटरनेट शटडाउन है, जो इंटरनेट शटडाउन चल रहा है कश्मीर में, वो गलत है। आजादी का नारा किस वजह से लगा? आजादी का नारा किसने लगाया, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। मेरे को बताइए पहले किसने लगाया आजादी का नारा, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। आप किस ऑर्गेनाइजेशन से? थैंक यू। किस स्टूडेंट? थैंक यू, बाय। किसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं आप? दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, थैंक यू, बाय। कुछ स्टेटमेंट उसका कुछ गलत नहीं है, जैसे वर्ड्स है वो वैसे ही है। कश्मीर मांगे आजादी और उसमें कुछ हेरा फेरी हो ही नहीं सकती। किसकी आजादी चाहिए? इंटरनेट 370 से 370 जो वहाँ पे इम्पोज रिवोक कर दिया है उससे आजादी चाहिए। इंटरनेट शटडाउन जो डेमोक्रेसी नहीं बट पूरे ग्लोबल लेवल पे सबसे बड़ा इंटरनेट शटडाउन जो अभी चल रहा है, पीपल बीइंग इनह्यूमन देयर, इट्स नीदर राइट नीदर ह्यूमन। तो आजादी किससे चाहिए इस बात का जवाब इन छात्रों के पास नहीं है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो आतंकवाद के विरुद्ध लगातार युद्ध कर रहा है। हम डीएनए में लगातार अपने दर्शकों से कहते हैं कि आपको कश्मीर को लेकर अपनी समझ और अपने तर्क हमेशा मजबूत रखने चाहिए। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि भारत की तरफ से कश्मीर को लेकर कोई ऐसा बयान आए जिसे वो अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल कर सके। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और इसी के साथ एक देश में दो निशान और दो विधान का हमेशा के लिए अंत हो गया। यानी कश्मीर के लोगों को और सारे भारतवासियों को हमेशा के लिए अनुच्छेद 370 से मुक्ति मिल गई। जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में इसके बाद कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। जो लोग कहते थे कि अनुच्छेद 370 हट जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी, उन्हें भी पता चल गया कि भारत के लोगों को हिंसा में यकीन नहीं है। तो फिर आखिर ये कौन लोग हैं जो कभी दिल्ली में कभी मुंबई में कश्मीर की आजादी की मांग करते हैं और पकड़े जाने पर अपनी सुविधा के हिसाब से आजादी की परिभाषा भी बताने लगते हैं। हाल की घटनाओं को देखकर लगता है कि आजादी गैंग का एक प्रमुख प्लेटफॉर्म दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। कहा जाता है कि देश के विश्वविद्यालय विचारों के द्वीप होते हैं, लेकिन विचारों के ये द्वीप अगर जहरीले विचारों को बढ़ावा देने लगे तो ये देश के लिए हानिकारक हो जाते हैं। अब देखिए कि कैसे कल बॉलीवुड की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मौजूदगी में जेएनयू में आजादी गैंग ने अपना मन चाहा प्रदर्शन किया। आजादी, हम नहीं झुकेंगे, आजादी, आजादी, हम लेकर आएंगे, आजादी, हम लेकर आएंगे।
इस वक्त करीब 3,66,00,000 छात्र अलग अलग विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि इनमें से ज्यादातर छात्र शांतिप्रिय हैं और मन लगाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन देश के मुट्ठी भर छात्र या तो टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर ये लोग असहनशीलता ब्रिगेड में अपने लिए काफी मौके देखते हैं या फिर इन्हें छीनकर आजादी लेने का बहुत शौक है। ध्यान देने की बात यह है कि देश के विश्वविद्यालय बड़ी आसानी से देश विरोधी ताकतों के लिए प्लेटफॉर्म बन गए। जेएनयू इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां पिछले करीब 2 महीनों से पढ़ाई ठप है, सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है, परीक्षा भी आधे अधूरे सिलेबस के साथ ली गई है और छात्रों को नए सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने में भी हिंसा का सामना करना पड़ा है। जरा सोचिए, ऐसे में वहां के छात्रों को किससे आजादी मांगनी चाहिए? जेएनयू का पिछले दिनों सबने इस्तेमाल किया। टुकड़े टुकड़े गैंग के अलावा इस कैंपस में बॉलीवुड को भी अवसर दिखता है। यही वजह है कि फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने दिल्ली पहुंचने के बाद निर्भया के घर वालों से मिलना जरूरी नहीं समझा, जबकि निर्भया महिलाओं पर क्रूरता से आजादी दिलाने की सबसे बड़ी प्रतीक है, खास तौर पर तब जबकि कल ही निर्भया के गुनहगारों की फांसी का समय और तारीख मुकर्रर हो गई। दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक 10 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में वो एसिड अटैक की पीड़ित का किरदार निभा रही है। अच्छा होता कि वो वहां इस त्रासदी से आजादी की मांग करती और जेएनयू के छात्रों से इसमें वैचारिक योगदान के लिए कहती, लेकिन दीपिका पादुकोण के सामने जब एक खास राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित आजादी की मांग की जा रही थी तब वो मौन थी। तो क्या ये मान लिया जाए कि जेएनयू का कैंपस बड़ी खामोशी से खुद का इस्तेमाल होने दे रहा है और इसी क्रम में अपना स्तर खोता जा रहा है? हमने जेएनयू के शिक्षकों से पूछा कि आखिर जेएनयू के कैरेक्टर में छीन कर लेंगे आजादी कहां से? सुनिए। जो ये छीन के लेंगे आजादी या जो नकाबपोशी कल्चर भी देख रहे हैं या जो पेल्टिंग स्टोन्स या पत्थर फेंकने वाला कल्चर भी देख रहे हैं, तो आप ये 9 फरवरी से इसको जोड़ के देखिए, तभी से नकाबपोशी तो चल ही रही है कैंपस में, पहले नहीं चलती थी। दूसरी बात ये है कि ये तो JNUTA का इंस्टिगेटेड पूरा प्रोग्राम है जिसमें कि ये लोग गुरिल्ला ढाबा भी यहाँ पर खोल के रखते हैं कि ये लोग नकाब लगा करके सभी जगह तोड़फोड़ करते हैं या वेंडलाइजेशन करते हैं या स्कूल्स को लॉकडाउन करके रखते हैं। तो JNUTF तो सभी छात्र छात्राओं से यही अपील करता है कि आपको अपने जो भी अधिकारों के लिए संघर्ष करना है वो आप कीजिए, लेकिन उसके कुछ नियम कायदे होते हैं। आप इस तरीके की हिंसा करके आप दूसरे जो छात्र छात्राएं पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे हैं या जो शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाना चाह रहे हैं उनको रोक कर और उनसे उनका हक छीन कर आपको क्या आज़ादी मिल जाएगी? मेरा तो यही संदेश है, आप अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं लेकिन आप उस लड़ाई में दूसरों के अधिकार नहीं छीन सकते, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आई वुड लाइक टू आस्क ऑल दोस ग्रेट पर्सनालिटीज हु आर कमिंग टू सपोर्ट द एजिटेटर्स, यू हैव एवरी राइट टू डू दैट. But then what about the fundamental rights of thousands of teachers and thousands of students and hundreds of teachers who are deprived of their fundamental right of doing their research and teaching? Why can't you stand with them also? पिछले दिनों मुंबई में भी प्रदर्शन हुए। कहने को तो विरोध का कारण जेएनयू की हिंसा थी, लेकिन वहां भी जिस तरीके से कश्मीर की आजादी के पोस्टर लहराए गए उससे साफ हो गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग का साया कश्मीर से निकलकर अपना विस्तार देश के हर इलाके में कर रहा है। सवाल यह है कि जब देश 72 साल पहले आजाद हो गया था तो फिर इन छात्रों को कौन सी आजादी चाहिए? कहा जाता है कि लोकतंत्र में मताधिकार ही सबसे बड़ा हथियार होता है। इस देश में एक चुनी हुई सरकार है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पहले से ज्यादा सीटों के साथ चुनकर दोबारा शासन में आई है। अच्छा होता कि आजादी की मांग करने वाले लोग लोकतांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद की सरकार चुनते, क्योंकि इस देश के किसी अभिन्न अंग के लिए आजादी की मांग करके और अपने तरीके से आजादी की परिभाषा लिख के ये लोग साबित कर रहे हैं कि देश की सरकार में, देश की अदालतों में और कुल मिलाकर देश के संविधान में इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तो क्या यह मान लिया जाए कि एक प्रोपेगेंडा के तहत देश में असहनशीलता का माहौल पैदा किया जा रहा है? जब लोकतांत्रिक तरीके से सफलता नहीं मिलती तब राजनीति को अपना चेहरा बदलना पड़ता है। हमारी चिंता यह है कि ऐसे चेहरों को पहचानने में विश्वविद्यालयों के छात्र कहीं धोखा ना खा जाएं।
क्योंकि नकाब पहनकर जब कोई आपके बीच जाता है तो उसके पीछे के चेहरे को पहचान पाना सिस्टम के लिए भी आसान नहीं रह जाता है। जेएनयू में रविवार को जो हिंसा हुई उसमें भी नकाब पहनकर आए कुछ लोग आरोपी हैं। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जेएनयू में नए सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन को रोकने की वजह से छात्रों के दो ग्रुप में हिंसक संघर्ष हुआ था। इस मामले में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर सर्वर रूम में तोड़फोड़ करने का आरोप है। आरोप है कि वामपंथी छात्र संगठनों ने सर्वर रूम पर कब्जा कर लिया ताकि रजिस्ट्रेशन को रोका जा सके। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज यूनिवर्सिटी के करीब 150 छात्रों के अलावा वार्डन और हॉस्टल के स्टाफ से भी पूछताछ की। अभी तक जितने वीडियो वायरल हुए हैं उनके आधार पर नकाबपोश आरोपियों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने करीब 800 से ज्यादा मोबाइल फोन से डेटा भी लिया है। कुछ नकाबपोशों की पहचान करके उनके लोकेशन की डिटेल भी निकाली गई है। ये सारी कोशिश इसलिए की जा रही है कि जेएनयू में हुई हिंसा के दोषी पकड़े जा सके और वहां पढ़ाई का माहौल तैयार हो सके। लेकिन अफसोस की बात है कि खुद जेएनयू के कई छात्रों के लिए अब पढ़ाई कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आज पूरे दिन जेएनयू की चर्चा तो हुई लेकिन चर्चा के केंद्र में दीपिका पाडुकोण थी और इसके जिम्मेदार काफी हद तक जेएनयू के छात्र भी थे। गो टू नागपुर द संघ हेडक्वार्टर टू प्रमोट हर मूवी, व्हाट डू दे वांट दिस कंट्री टू बी? कोई अगर वहां जाकर हमदर्दी दिखा रहा है तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। देखो ये लोकतंत्र का देश है, कोई कलाकार क्यों, कोई भी सामान्य आदमी कहीं भी जा सकता है, उसकी राय रख सकता है, उसमें कभी आपत्ति नहीं की किसी ने। ये तो बीजेपी की ओछी मानसिकता है, कोई किसी आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए स्वतंत्र है, कहीं भी किसी के समर्थन में जा सकता है। हिंदुस्तान में कोई इमरजेंसी थोड़ी लगी है। अगर वो जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्षा से मिली तो उन छात्रों से भी मिलना चाहिए जो पढ़ाई करना चाहते थे, उनको रोका गया, मारा गया, हाथ पैर तोड़े गए। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरा फीडबैक लेकर जाना चाहिए था।